नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अपडेट में बहुत स्वागत है। आज की जो नई वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो DRDO की तरफ से निकाली गई है। DRDO सेप्टेम्बर वैकेंसी 10A&A निकाली गई है, जिसे कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहा जाता है। ये जो भर्ती निकाली गई है, ये टोटल पोस्ट 1016 पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें से 10th पास अभ्यर्थी या फिर 12th पास अभ्यर्थी, ग्रेजुएशन पास आवेदक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास यानी PG पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इस वीडियो में आपको उम्र, सिलेबस, सैलरी, चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो को कोशिश करके आप लास्ट तक देख सकें ताकि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको कम्प्लीट मिल पाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, DRDO का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो निकल करके आ रही है वो आपके सामने दी हुई है। यहाँ पर DRDO सेप्टेम्बर की तरफ से निकाली गई है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने का समय है वो यहाँ पर डेट दिया हुआ है, 7 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। 7 नवंबर से चालू हो चुका है ये, और इसका क्लोजिंग डेट यानी कि आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 7 दिसंबर 2022 तक रखी गई है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट अगर फर्स्ट स्टेज का दिया जाएगा वो जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद साइट में दिया जाएगा, DRDO की वेबसाइट में। तो DRDO की वेबसाइट में अपडेट लेते रहना होगा कि इसका जो है एग्ज़ाम वो कब दिया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जाए यहाँ पर पोस्ट कोड के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में, तो ये कॉलम भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पोस्ट कोड और पोस्ट नेम, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अदर इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, एज लिमिट और क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ की डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में जूनियर ट्रांसलेशन के पोस्ट के बारे में बताया गया है, जिसमें सिर्फ बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किए हुए हो, वो इंग्लिश या हिंदी मीडियम से होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में PG होना चाहिए उनका, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उनके मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, हिंदी स्टेशन एग्जामिनेशन का इंग्लिश कंपलसरी एज ए डिग्री लेवल, यानी कि उनका जो है वो इंग्लिश या फिर हिंदी जो ग्रेजुएशन लेवल में उनका रहा हो वो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रहा हो तो वे इसके लिए भी पात्र होंगे। या फिर बैचलर डिग्री हिंदी या इंग्लिश के साथ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, मीडियन ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेन सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट अगर वो किए हुए हैं तो उनका हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या फिर वह हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस किए हुए हैं, या फिर उनका किसी तरह का काम अगर किया हुआ है तो उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर बात करी जाए सेकेंड स्टेज के पोस्ट की, पोस्ट कोड है 401401 है, इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का पोस्ट दिया गया है जो कि इंग्लिश टाइपिंग वाला पोस्ट रहेगा। इसमें बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए। अगर स्किल टेस्ट की बात की जाए तो इसमें जो डिक्टेशन वो 10 मिनट का दिया जाएगा जो कि 100 वर्ड पर मिनट का होगा, और ट्रांसक्रिप्शन भी उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि 40 मिनट का दिया जाएगा जो कि इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर में दिया जाएगा। यानी कि एज लिमिट जो है इस पोस्ट के लिए वो 30 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। ये पोस्ट जो है वो ग्रुप बी लेवल का है। और पे स्केल की अगर बात की जाए तो 25,500 से लेकर 81,100 तक रखा गया है जो कि 7 CPC पे मैट्रिक्स का रहेगा। और अगर 501 यहाँ पर अगले पोस्ट की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये भी इंग्लिश टाइपिंग का है। इसमें कैंडिडेट को 12 क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से। इसमें स्किल टेस्ट की बात अगर की जाए तो कैंडिडेट को 10 मिनट का डिस्ट्रक्शन दिया जाएगा जो कि 80 वर्ड पर मिनट का रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का दिया जाएगा जो कि इंग्लिश में ही दिया जाएगा, वो भी कंप्यूटर में करने के लिए बताया जाएगा। और एज जो है कैंडिडेट का होना चाहिए वो 18 से लेकर के 27 साल के बीच में होने चाहिए। और ये जो पोस्ट कोड है वो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। अगले पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट कोड यहाँ पर 601 दिया हुआ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग का पद रहेगा। इसमें से कैंडिडेट को 12 क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और स्किल टेस्ट में जो ये लिया जाएगा, इसमें स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा सिर्फ कंप्यूटर में, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए जो कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 10 मिनट के अंदर आपको कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। जिसमें से आपको की डिप्रेशन पर आवर 10,500 का दिया जाएगा
एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ऑन ईच वर्ड, यानी कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड के हिसाब से होनी चाहिए वो 5 वर्ड पर मिनट में 5 की डिप्रेशन के हिसाब से होनी चाहिए। एज जो है वो बिटवीन 18 से 27 साल के बीच के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो पद रहेगा ग्रुप सी कैटेगरी की रहेगी। अगले पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट कोड 601 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये हिंदी टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, जिसमें से कैंडिडेट 12 क्लास पास हो सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और स्किल टेस्ट की बात अगर की जाए तो इन्हें हिंदी टाइपिंग दिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, यानी कि कंप्यूटर में एक मिनट के अंदर 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड में उन्हें टाइप करनी होगी। और ये जो समय दिया जाएगा वो 10 मिनट का दिया जाएगा। 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उन्हें 9000 की डिप्रेशन पर आवर में करना होगा, और ये एवरेज जो होएगा की डिप्रेशन का वो 5 वर्ड पर की डिप्रेशन दिया रहेगा, यानी कि प्रत्येक वर्ड के लिए 5 की डिप्रेशन होनी चाहिए, ये एवरेज मांगा गया है। इसमें भी जो है एज के क्राइटेरिया 18 से 27 साल के बीच में रखी गई है, और ये पद जो है ग्रुप सी का पद है। अगले पद की अगर बात की जाए तो पोस्ट कोड संख्या 701 के लिए स्टोर असिस्टेंट, ये इंग्लिश टाइपिंग की रखी गई है, जिसमें से भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है 12 क्लास पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। अगर स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में होनी चाहिए, और उनका जो की डिप्रेशन पर आवर होगा वो 5 की डिप्रेशन पर आवर होने चाहिए, और इसमें भी 10 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट के अंदर उन्हें जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के हिसाब से टाइपिंग करना होगा। और एज जो रहेगा वो 18 से 27 साल के बीच में रहेगा, ये भी ग्रुप सी के कैटेगरी में आएगी। अगले पद की अगर बात की जाए तो पद कोड संख्या 702 है, जो कि पद का नाम है स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग। इसमें भी कैंडिडेट से इंटरमीडिएट यानी कि 12 मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, होनी चाहिए उनकी। और अगर स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो उन्हें हिंदी टाइपिंग दिया जाएगा 10 मिनट के लिए कंप्यूटर में करने के लिए, यानी कि 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करनी होगी। और अगर की डिप्रेशन की बात की जाए तो प्रत्येक 5 वर्ड में एवरेज 5 की डिप्रेशन होनी चाहिए, जो कि 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 9000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, इसमें भी एज 18 से 27 साल के बीच में होने चाहिए, और ग्रुप सी का कैटेगरी या पद का दिया हुआ है। अगले पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट संख्या 801 है, जिसमें से सिक्योरिटी असिस्टेंट ए का दिया गया। इसमें बताया कि 12 पास कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर उन्हें एक आर्म फोर्स का सर्टिफिकेट या फिर एक सर्विसमैन से रिलेटेड व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कैंडिडेटशिप अगर 12 पास भी हैं तो भी उनका चलेगा, और यदि वे किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड या फिर आर्म फोर्स का सर्टिफिकेट वहाँ पर या फिर एक सर्विसमैन है तो ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी अंडरटेक स्टैंडर्ड ड्यूटीज़, यानी कि इनका जो टेस्ट लिया जाएगा वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का टेस्ट लिया जाएगा, और एज जो रहेगी बिटवीन 18 से 27 साल के बीच में रहेगी, ये भी ग्रुप सी का लेवल का पद रहेगा। अगले पोस्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर तो व्हीकल ऑपरेटर ए का है, इसमें से 10 स्टैंडर्ड पास, यानी कि व्हीकल ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो सिर्फ मैट्रिक पास अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। उनका पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 3 व्हीलर का एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल, 3 व्हीलर टाइप का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट एंड हैवी व्हीकल से रिलेटेड होना चाहिए। उन्हें मोटर की नॉलेज होने चाहिए, यानी कि जो गाड़ी उन चलानी है, जो भी वाहन उन्हें दिया जाएगा उसके चलाने की उनके मैकेनिज्म यानी कि उसके यांत्रिक चलन प्रक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ड्राइवर को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, जो कि अधिकतम 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, अधिकतम 3 साल जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जिनके पास है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो है ड्राइवर की उम्र रखी गई है इस पोस्ट के लिए 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है। अगले पोस्ट की अगर बात की जाए तो पोस्ट संख्या 1001 के लिए फायर इंजीनियर ड्राइवर ए, इसमें 10th क्लास पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान को सिर्फ होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए कि 2-3 साल की होनी चाहिए लाइट एंड हैवी व्हीकल्स का, यानी कि 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्हें हैवी व्हीकल्स और 3 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स लाइट मोटर व्हीकल्स का जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो होनी चाहिए। ट्रैफिक रेगुलेशन जो कि गाड़ी चलाने का रूल रेगुलेशन जो होता है सड़क पर, उन्हें उनके पूरी जानकारी ली जाएगी होनी चाहिए, और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस की भी उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो उनकी एज रहेगी वो 18 से 27 साल के बीच रखी गई, ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है। फायरमैन पोस्ट के लिए
जो है पोस्ट कोड संख्या 1101 है, फायर मिल के निकली हुई है। इसमें बताया कि सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि वो मैट्रिक लेवल का पास होने चाहिए, कैंडिडेट 10+2 सिस्टम से होने चाहिए, सेंट्रल प्लस टू, यानी कि 10+10 स्टैंडर्ड पास या फिर 10+2 सिस्टम से जो संस्थान के द्वारा कैंडिडेट पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस और जो भी है उनके फायरमैन के लिए फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाएगा और फायरमैन से संबंधित जो भी और डिटेल है वो उनसे कैंडिडेट से लिए जाएंगे। एज इसमें जो है वो 18 से 27 साल की रखी गई है। ये भी ग्रुप सी का एक पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में वैकेंसी के हिसाब से, तो पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि जूनियर ट्रांसलेशन पद के लिए ST SC OBC के बारे में अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि 33 निकला हुआ है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए 205 पोस्ट निकला हुआ है। 501 पोस्ट की अगर बात की जाए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो 123 पोस्ट है। 601 नंबर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एक इंग्लिश टाइपिंग की बात की जाए तो वो 250 रखी गई है। 602 यहाँ पर पोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 12 रखी हुई है। स्टोर कीपर इंग्लिश टाइपिंग जो पोस्ट है टोटल 134 पोस्ट निकला हुआ है। 702 पोस्ट संख्या के लिए स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 4 दी हुई है। अगले पोस्ट के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टोटल पदों की संख्या 41 है। व्हीकल ऑपरेटर क्लास ए के लिए पदों की संख्या 145 रखी गई है। फायर इंजीनियर ड्राइवर ए के लिए पदों की संख्या 18 है और 1101 पोस्ट के लिए फायरमैन पदों के लिए टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 86, यानी कि टोटल 1061 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली गई है। इसकी पूरी डिटेल और भी अगर चाहिए तो आप नोटिफिकेशन में जा कर के देख सकते हैं। और एज लिमिट की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो एज लिमिट जो भी है आपका ST SC OBC के लिए जो भी अप्लाई होता है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि एज लिमिट मैंने बता दिया है पहले ही। और यहाँ पर कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन के बारे में आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ था कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, यानी कि कैंडिडेट का जो पोस्टिंग किया जाएगा, जो उनकी वैकेंसी के बाद जो उनकी नौकरी दी जाएगी वो कौन कौन से स्टेशन पर रहेगी, वो पोस्ट कोड यहाँ से भी कैंडिडेट अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आवेदन पत्र में ऑनलाइन के समय देना पड़ेगा। तो ये जो सिर्फ कोड दिया हुआ है और इस कोड का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस जगह में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, यानी कि उनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ पर की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं A1 के लिए आगरा है, A2 के लिए अहमदाबाद है, A3 के लिए अंबेरनाथ है। इसी तरह सारी पोस्ट कोड जो कि ऊपर में यहाँ पर दी हुई है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन में जा कर के क्लियर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बारे में कुछ पॉइंट्स बताया गया है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही काटा जाएगा, किसी भी तरह से ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ीस स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये आवेदन पत्र भी आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पर फीस रखा हुआ है, 100 रुपये के फीस उन्हें पे करना होगा। पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन माध्यम से रहेगा, किसी भी बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। और जो पेमेंट ऑल वुमेन कैंडिडेट ST SC PWBD ESM कैंडिडेट जो कि महिला अभ्यर्थी है और ST SC कैटेगरी से जो भी अभ्यर्थी आते हैं उन्हें किसी प्रकार से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि उनके लिए परीक्षा शुल्क बिल्कुल ही निःशुल्क है। और एग्जामिनेशन सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टायर 1 का जो चॉइस बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम सेंटर होगा, कैंडिडेट को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्हें 3 ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए, तो वो 3 सेंटर में अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर को चूज कर लें ताकि वो वहाँ पर बाद में जा करके एग्ज़ाम दे सकें। ये एग्ज़ाम का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड में टेबल 1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट क्या होने चाहिए मेल और फीमेल के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। हाइट के बारे में और चेस्ट के बारे में भी बताया गया है इधर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर
आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी बताया गया कि विजन कैसा होना चाहिए, आईसाइट कैसा होना चाहिए। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में भी बताया गया है कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट क्या है, यानी कि फिजिकल टेस्ट किस प्रकार का कैंडिडेट का लिया जाएगा। उन्हें 1600 मीटर कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा 7 मिनट के अंदर, और उनके उन्हें साथ ही साथ 63.5 किलोग्राम का कोई वजन ले करके 183 मीटर 96 सेकंड के अंदर चलना होगा। ये है फायरमैन पोस्ट के लिए, सिर्फ यह दिया गया है। 3 मीटर का वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग दिया हुआ है, यानी कि रस्सी के हिसाब से उन्हें रस्सी पकड़ करके चलना है। 3 मीटर के हिसाब से फुट 3 फुट के ऊपर से ज़्यादा में चढ़ना है उनको बताया गया है। ऐसा कि 20 सीटअप्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ 2.7 मीटर चौड़ा डिच लैंडिंग बोथ फीट लॉन्ग जम्प टू लॉन्ग जम्प 2.7 मीटर का उन्हें दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर रनिंग की यहाँ पर बात की जाए तो रनिंग में जो दिया हुआ है फायरमैन कैडेट्स के लिए रनिंग के बारे में दिया गया है, 800 मीटर की रनिंग होगी जो कि 5 मिनट में उन्हें पूरी करनी है, और 63.5 किलोग्राम का वजन लेकर के उन्हें दौड़ना है 183 मीटर 96 सेकंड के अंदर। इसी तरह 15 सीटअप्स के बारे में दिया गया, लॉन्ग जंप उन्हें 2 मीटर का दिया गया है जो कि 3 चांस उन्हें दिया जाएगा इसे कम्प्लीट करने के लिए। और अगर यहाँ पर बात की जाए टेबल टू में अगर हम लोग आ जाते हैं तो इसमें एग्जामिनेशन का सिलेबस और टाइप ऑफ पॉइंट एग्जामिनेशन का कौन कौन से पोस्ट कोड के लिए क्या एग्ज़ाम लिया जाएगा यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मोड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ देख लेते हैं, जो कि CBT होगा, प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा। यह पोस्ट कोड 301, 401, 501, 3601 और भी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये जो पोस्ट कोड है, आप जो भी वैकेंसी डालिएगा वो पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर अपना सिलेबस चूज करके देख लीजिए। इसमें जो कि 40 क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि जनरल हिंदी और इंग्लिश से रहेगा, 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि जनरल इंग्लिश से रहेगा, यानी कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 40-40 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये टोटल पोस्ट कोड के लिए, ये पोस्ट के लिए ये सिलेबस यहाँ पर रहेगा। इसमें से ये मैक्सिमम मार्क 80 रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 60 मिनट का रहेगा, और ये पोस्ट के लिए जो आपका रहेगा 75 क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी जनरल अवेयरनेस के बारे में दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या जो कि रहेगी आपकी यहाँ पर प्रश्नों के हिसाब से 75 मार्क्स आपको यहाँ पर मैक्सिमम दिए जाएंगे, और समय दिया जाएगा 60 मिनट का। और सेकंड टायर के एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सेकंड टायर एग्ज़ाम रखा गया है। तो सेकंड टायर इस टाइम एग्जामिनेशन में आपका स्किल, फिजिकल फिटनेस, कैपेबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता, क्षमता और स्किल टेस्ट का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए बताया गया है। सभी कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्ट इसमें किए जाएंगे फर्स्ट स्टेज में एग्ज़ाम के लिए, वो सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव उन्हें दिया जाएगा कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखने के लिए, जो कि सिर्फ 301 पोस्ट कोड के लिए रखा गया है। इसमें ट्रांसलेशन एंड एसे, इसमें ट्रांसलेशन और एसे लिखने के लिए कैंडिडेट को दिया जाएगा, जिसमें से कि 200 नंबर रहेगा और समय रहेगा 120 मिनट। तो 120 मिनट के अंदर 200 नंबर के क्वेश्चन को इसमें हल करना है। मैं आशा करता हूं कि मैंने लगभग कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको इस पोस्ट से संबंधित DRDO सेप्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने के लिए, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कुछ इसमें मिसिंग आउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मैं वीडियो में इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ताकि आप नोटिफिकेशन जाकर के डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।